है। लखनऊ के ऋतिक पांडे हत्याकांड पर सरोजनी नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि आज वो सुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सपा के शासनकाल में पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी। एसपी के शासनकाल में 40 राम भक्तों का सीना छलनी कर दिया गया था, कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी गई थी, कितनों का सुहाग उजड़ गया था। सपा शासनकाल में देश भर की एक तिहाई घटनाएं यूपी में ही घटती थी। एक दिन में औसतन 7,650 क्राइम की घटनाएं होती थी। यूपी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने न्यूज 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया। पर्यावरणविद राजेश खत्री ने कहा कि सभी लोगों को अपनी जिंदगी में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिलते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर सांस लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है अपनी लाइफ में हर आदमी को एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए, वरना होगा क्या, अभी जो हम फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर पेड़ नहीं लगाए और पेड़ ख़त्म हो गए और आपको रोज़ सिलेंडर खरीदने पड़े, तो आप सोचिए आपकी फैमिली मेंबर्स का और आपका कितना खर्चा आएगा। तो जो एक चीज़ हमें कुदरत ने इतने अच्छे तरीके से प्रदान करी है और इतनी अच्छी हमें आशीष दी है कि हमें ऑक्सीजन तो फ्री में मिलती है, सिर्फ पेड़ लगा के उनकी केयर ही तो करनी होती है। चलिए आप नहीं लगा पा रहे नए पेड़, कोई बात नहीं, लेकिन जो लगे हुए पेड़ हैं कम से कम आप उन्हीं की केयर कर लीजिए, वो ही एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप ये मान के चल लीजिए कि अपने घर के अंदर किसी बुज़ुर्ग की सेवा कर रहे हैं, आप उस पेड़ को बुज़ुर्ग समझ के भी सेवा करेंगे ना, तो वो आपको उस बुज़ुर्ग से बराबर ही आशीष देगा और वही आशीष आपकी ज़िंदगी में आपको आगे ले जाएंगी। वरना जो हालत चल रही है उसको देखते हुए बाद में सिर्फ हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे भगवान के सामने। और पेड़ बचपन से, जब से हम बड़े हुए हैं या चिड़ियाँ हैं जो हम जब से बड़े हुए हैं, हमारा साथ दे ही रही हैं, तो थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि हम नेचर की तरफ झुकें और उसको मदद करें।